हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की एक और लेक्चर वीडियो। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। तो अब जो इस चैप्टर में रह गया है वो सिर्फ कैपेसिटेंस बच गया है। तो हम कैपेसिटेंस आज हम जो करेंगे वो करेंगे कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन, फिर इससे आगे की वीडियो में इससे आगे का टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस से। बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होता है उसे समझने से पहले हम कुछ और टॉपिक समझते हैं। जब हम हमारे घर में जो फैन लगे हुए हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं, इटमीन्स उसे ऑन करते हैं, तो उन्हें ऑन करने के लिए यानी उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज की जरूरत होती है, राइट? उन्हें बहुत ज़्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी? क्योंकि जो हमारे पास जो सप्लाई आती है पावर की, उसके अंदर इतना चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता कि वो उसको क्विक स्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको कहते हैं हम कैपेसिटर। जनरली हम फैन में आपने देखा होगा एक छोटा सा वाइट कलर का कुछ इस टाइप का सिलेंड्रिकली आपको दिख जाएगा, ऐसा दिखाई देता है सिलेंड्रिकली, और इसके अंदर दो वायर होती है ऐसे करके, राइट? ऐसा एक अरेंजमेंट दिखाई देता है जिसे हम जनरली कहते हैं कंडेंसर, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको कंडेंसर। तो वो लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी है वो चार्ज स्टोर करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करता है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं अपने डिवाइस को, तो सारा का सारा चार्ज उसको डिलीवर कर देता है, जिससे कि उसको स्टार्टिंग कंडीशन में जो चार्ज की रिक्वायरमेंट है, लार्ज चार्ज की, वो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद के लिए जो करंट उसे चाहिए होता है वो हमारी सप्लाई से मिल जाता है, यानी जो सब रनिंग के लिए जो चाहिए, तो परफॉर्मेंस करने के लिए जो भी उसको इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज चाहिए वो तो उसे हमें सप्लाई से मिल जाता है। बट स्टार्टिंग के लिए जो चार्ज चाहिए उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे कंडेंसर, इट मीन्स कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, क्या एबिलिटी, कि वो कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है। सिर्फ चार्ज ही नहीं, तो चार्ज स्टोर होगी, स्टोर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी वहाँ पे, राइट? तो वो कहलाता है हमारा कैपेसिटेंस। तो अब आता है कि ये फिनोमिना वर्क कैसे करता है, जरा इसको पहले समझते हैं। इसको हम समझते हैं एक बकेट की हेल्प से, यानी एक बाल्टी ली हमने, ये मान लेते हैं ये अपने पास एक बाल्टी है, राइट? ये बाल्टी है ऑलमोस्ट इसके पास, ये 20 लीटर की ये बाल्टी होगी अपने पास, 20 लीटर, राइट? अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, यहाँ से वाटर फिल करते जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं। इनिशियली हमने इतना पानी भरा तो यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यू वन, जो कि होता है एम जी एच वन। फिर पानी हमने और डालते रहे, इसमें डालते रहे, थोड़ी सी हाइट और बढ़ी, तो ये जो हाइट हो गई है, ये हाइट होगी मान लेते हैं एच टू, तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गई एम जी एच टू। तो जैसे जैसे हम पानी भर रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है? पानी डाल रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। सेम ये वैसे ही है जैसे कि हम घर में ऊपर टंकी रख देते हैं, छतों के ऊपर जो टंकियाँ रखते हैं, सेम जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हाइट क्यों बढ़ रही है, पानी बढ़ते जा रहे हैं, या हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। वैसे ही हमारा कैपेसिटेंस है, जैसे ही हम किसी कंडक्टर में, कंडक्टर यहाँ पर कोई भी हो सकता है जनरली, जैसे किसी कंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, तो ये हमारा कोई कंडक्टर हो सकता है, हम यहाँ पर चार्ज देते रहेंगे, जैसे इसको चार्ज दे रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। यानी चार्ज कैसे बढ़ रहा है, पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के, चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, राइट? यही यही फिनोमेना होता है हमारा, चार्ज देंगे, डालते रहेंगे डालते रहेंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल इक्वल टू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगता है सी, ये सी ही हमारा कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस, यानी किसी कंडक्टर की वो कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, उस कैपेसिटी को कहते हैं हम कैपेसिटेंस, या उस एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई क्यू बाय वी, राइट? तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट।
तो कैपेसिटर समझ में आया, जैसे जैसे चार्ज स्टोर करेंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कॉन्स्टेंट लगता है, या सी सी यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस हो गया। तो बेसिकली ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली बहुत बेसिक था, राइट। अब धीरे धीरे आते हैं, अब ये कैपेसिटेंस जो है वो इसको देख के क्या लगता है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। अब कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है हमारे तीन फैक्टर्स पे बेसिकली, देखिए कैसे, क्योंकि C इक्वल्स टू आया है हमारे पास Q बाय V, और V इक्वल्स टू बेसिक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है K क्यूब बाय R स्क्वायर, और K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, राइट। ये होता है तो कैपेसिटेंस जो फैक्टर पे हमारे डिपेंड करता है उसमें सबसे पहला है साइज, राइट। सबसे पहला है साइज एंड शेप, क्योंकि साइज और शेप के अकॉर्डिंग ही उसका डिस्टेंस, यानी अगर वो स्फेरिकल है तो रेडियस, ठीक है, कोई और शेप पे है तो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना साइज शेप होगा उस हिसाब से हम उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कैपेसिटेंस यानी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे वो बाल्टी का केस हमने लिया था, बाल्टी का साइज ज्यादा होगा ऊंचा करते रहेंगे या उसको चौड़ा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, है ना, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी वेरी करेगी। वैसे ही कैपेसिटेंस साइज चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट डिपेंड करता है इस पर, इट मीन्स परमिटिविटी, कि उसके बीच में या सराउंडिंग मीडियम कैसा है, तो परमिटिविटी। और नेक्स्ट उसके बाद थर्ड जो डिपेंड करेगा कि उसके आसपास का कंडक्टर, जो प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर है वो कैसा है, या उसके कंडक्टर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपने मेन कंडक्टर पे, यानी जिसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, अगर उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है पड़ सकता है तो वो है हमारा तीसरा। तीन फैक्टर है हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा साइज और नेचर पे यानी साइज और शेप पे, दूसरा हो गया मीडियम सराउंडिंग मीडियम का नेचर यानी परमिटिविटी, और तीसरा अपना जो मेन कंडक्टर है जिसमें चार्ज स्टोर कर रहे हैं उसके आसपास के कंडक्टर से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट पर। अब कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस क्यू इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो इसकी एसआई यूनिट यहां से बनती है फैराड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, एसआई यूनिट होती है इसकी फैराड, राइट। अब फैराड को अगर हमें डिफाइन करना है यानी वन फैराड को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में सब कुछ वन से कंसीडर करना पड़ेगा। तो वन फैराड क्या होगी, वन फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज ऑफ वन कूलम रेजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू वन वोल्ट, यानी जब एक कूलम चार्ज देने पर किसी कंडक्टर में उसकी पोटेंशियल वन वोल्ट इंक्रीज हो जाती है, तो इट मीन्स उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया है, उसका कैपेसिटेंस हो गया वन फैराड, राइट। तो ये था इस फैराड का बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक है, वन फैराड डिफाइन हो गया। अब इस वन फैराड जो होती है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसको हमें प्रूफ करने के लिए पहले हम एक केस लेते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का यानी स्फेरिकल कंडक्टर का, जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है और बाहर से किसी चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी आइसोलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। तो क्या करेंगे, तो उसको देखते हैं कि वन फैराड कितनी बड़ी यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग पहले केस लेते हैं फिर उसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो हमें कैपेसिटेंस निकालनी है किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का, राइट। तो ये हो गया एक स्फेरिकल बॉडी, राइट, इसका रेडियस है आर, इसके पास चार्ज है टोटल क्यू चार्ज है, राइट। अब इसके ऊपर क्यू क्यू चार्ज है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल कंडक्टर वो क्या होगा, V इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका डिस्टेंस कितना जाएगा सेंटर से, तो वो हो गया R, राइट।
के क्यू बाई आर। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब कैपेसिटेंस के लिए मैं बेसिकली कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है इसका, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमने बनाया है, C इक्वल्स टू होता है क्यू बाई वी। क्यू मैंने एज रख दिया, V की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्यू से क्यू कैंसिल, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो C इक्वल्स टू 4πε0 आर। तो ये आ गया हमारे स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर का फॉर्मूला 4πε0 आर। तो किस किस चीज़ पे, ये भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, साइज पर, परमिटिविटी, और जो है प्रेजेंस का है वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रेजेंस कैसे होता है, उसको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि किसी कंडक्टर को जो हम अपने एक कंडक्टर के क्लोज लिखाएंगे तो क्या होगा, राइट। तो ये तो हो गया ये। अब मैंने जैसा भी बोला था पीछे कि जो 1 फेराड है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसा क्यों कहा, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो अपने को क्या लिखाना है, कैपेसिटेंस क्या, कि हम मान लेते हैं कि इफ सी इक्वल्स टू है 1 फेराड, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमने बनाया 4πε0 आर, राइट। इसकी वैल्यू 1 ले ली, इसकी वैल्यू होती है 1/9×10⁻⁹ इंटू आर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया, 9×10⁹ मीटर, अप्रोक्स इतना मीटर, इतना बड़ा हमें डिस्टेंस चाहिए, राइट। एक फेराड कैपेसिटेंस के लिए हमें जो रेडियस चाहिए किसी स्फेरिकल कैपेसिटेंस का वो होना चाहिए 9×10⁹ मीटर, जबकि हमारे अर्थ का रेडियस जो होता है, अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 6.4×10⁶ मीटर आता है। तो ये अर्थ के, अगर इसको कंपेयर करें तो ये अर्थ के रेडियस से, ये जो है हमारा अप्रोक्स रेडियस ऑफ अर्थ से 1500 टाइम्स आ गया है, इतना है ना, 1500 गुना हमारा आ रहा है अर्थ के रेडियस से। तो क्या इसको बनाना पॉसिबल है, तो विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इतना बड़ा बनाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काम हो गया, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम को से कैपेसिटेंस क्रिएट करना 1 फेराड बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। तो एक 1 फेराड जो है एक बहुत लार्ज यूनिट हो गई। तो हम बेसिकली जो प्रैक्टिकली यूनिट हम यूज करते हैं कैपेसिटेंस के केस में, वो हम दो यूज करते हैं, फर्स्ट माइक्रोफेराड, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं म्यू एफ, इट मींस 10⁻⁶, यह हम ये लिखते हैं पीको फेराड, इसको हम लिखते हैं पी एफ 10⁻¹। तो बेसिकली हम 1 फेराड यूनिट लेते ही नहीं है, क्योंकि 1 फेराड जो होगी एक लार्ज यूनिट हो गई है, राइट। क्या हो गया, 1 फेराड इज अ लार्ज यूनिट, तो उसकी जगह हम यूज करते हैं जनरली माइक्रोफेराड या पिकोफेराड। अब जैसे जैसे इस चैप्टर में आप जाएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ हर जगह माइक्रोफेराड या पिकोफेराड में ही आपको डेटा गिवन होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए यहाँ तक ये बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे जो हमारा अभी टॉपिक बना है मेरा स्फेरिकल कंडक्टर पे, तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलिए पहला न्यूमेरिकल अपने पास है कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 mm एंड कैरिंग 10⁻¹² कूलम्ब ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले जरा उसको समझते हैं, क्या कह रहा है कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप है जिनके हर ड्रॉप का जो रेडियस है वो 3 mm है, और उसके पास जो चार्ज है वो 10⁻¹² कूलम, राइट। उनको कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम 9-10th मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं कि 25 या 27 छोटी छोटी बॉल्स को, मेटल के बॉल्स को मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बना दी। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम बड़ी वाली का रेडियस निकालते हैं,
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का वो है 4πε0R, अगर बढ़ेगा रेडियस ये लेते हैं तो, है ना। तो अपने को ये चाहिए होगा, और इसके लिए सिंपल सी बात है कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप लूं या वो एक बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप ले, दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इक्वल रहा होगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम लगा है दोनों में। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेरिकल ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फेरिकल ड्रॉप्स। अब इसका वॉल्यूम ने ले लिया 4π3πR से ले लिया इसका रेडियस, ये होता वॉल्यूम, इंटू 27 ड्रॉप है तो 27 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4π3π, इसको ले लिया स्मॉल आर। अगर देखें तो इससे ये डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आर क्यूब इक्वल्स टू 27 आर क्यूब, ये क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट, इट मीन्स 27 की पावर 1/3। 27 का क्यूब रूट होता है 3, आर क्यूब से क्यूब कटेगा यानी पावर 3 से 3 कट गया तो बच गया ये आर, तो कैपिटल आर जो है वो 3 टाइम्स आ गया स्मॉल आर के। अब स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 3 mm, तो कैपिटल आर कितना आ गया 3 mm, 3 × 3 mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये आ गया 9 × 10⁻³ मीटर। बेसिकली ये रेडियस आ गया हमारे पास बड़े वाले ड्रॉप का। अब अपने को निकालना है कैपेसिटेंस, तो निकल गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, उसका फॉर्मूला होता है 4πε0R, इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻⁹, आर की वैल्यू है 9 × 10⁻³, 9 से 9 डिवाइड हो गया, -3 है ये और ये है 9, -3 - 9 तो क्या हो गया माइनस का 12, तो 10⁻½ कूलम्ब आ गया, सॉरी फैरड आ गया, कैपेसिटेंस निकालना फैरड आ गया कैपेसिटेंस, ध्यान से देखें तो 1 pF आ गया, पीको बताया था 10⁻¹ तो 1 pF, राइट। अब अपने को क्या निकालना है, दूसरी चीज निकालनी है इसमें पोटेंशियल, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब पोटेंशियल के लिए अपने को चाहिए क्या चाहिए, पोटेंशियल के लिए अपने को चाहिए चार्ज, और चार्ज कैसे निकलेगा, तो पहले हम निकालते हैं चार्ज, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप को मान लिया क्यू से, राइट। स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू मान लिया हमने, कितनी ड्रॉप है इंटू 27, 27 से एक ड्रॉप का चार्जर है 10⁻¹ इंटू 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 × 10⁻¹ बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया 27 × 10⁻¹ कूलम्ब आ गया, यह आ गया चार्ज। अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्यू इक्वल टू होता है सीवी, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू आ गया 27 × 10⁻¹, सी है 10⁻½ से ये कैंसिल, तो पोटेंशियल आ गया अपने पास 27 वोल्ट, तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ए इज 2 times द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बी, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। तो पहले समझते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि वॉल्यूम जो है ए का वो 2 times है बी के वॉल्यूम से, यानी
वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल्स टू टू इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, राइट। ये हमें गिवन है, उसके बाद हो रहा है रेशियो निकालना है इनकी कैपेसिटेंस का। तो पहले इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। 4/3 πr³, बेसिकली ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, अभी नहीं बताया था, इंटू टू इंटू 4/3 πr³। के लिए a मान लिया रेडियस, बेस में उसके लिए b, 4/3 π 4/3 π कैंसिल। तो यहाँ से आ गया r³ इक्वल्स टू 2 times ऑफ r³। तो यहाँ से r³ को इधर ले आते हैं, ये आ गया 2। तो r³3 लिया हमने, पावर बाहर आ गई, ये 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ रही है r³ की 2 की पावर 1/3, ठीक है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना लेते हैं। अब रेशियो निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए, राइट। अपने क्या बोला है a/b, राइट। तो उसको फॉलो करते हैं, ca/cb, ca हो गया 4π0 r a, ये आ गया 4π0 r b, ये कैंसिल कैंसिल, r a/r b की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ca/cb अपने पास आ गया रूट क्यूब रूट 3/1, और यही हमें निकालना था रेशियो कैपेसिटेंस ए एंड बी का, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का कैपेसिटेंस की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे अभी क्या करा है, इसमें हमने सिर्फ क्या करा है कैपेसिटेंस कैसे होती है, क्या होती है, कैसे स्टोर करते हैं, ये सीखा। ये नहीं देखा हमने कि इसको इंक्रीज कैसे करा जा सकता है। अभी हमने यहाँ पे चेक देखा था कि अगर हम 1 फैराड कैपेसिटेंस भी लेके आ रहे हैं तो बहुत बड़ा कंडक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाए, साइज भी बढ़ाना करना पड़े और पोटेंशियल भी ज़्यादा इंक्रीज ना, क्योंकि हम जैसे जैसे चार्ज दे रहे थे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ रहा था। तो इस चीज़ को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।